मोबाइल है V23, इसकी कीमत क्या है? 30,000। 30,000 रुपए का मोबाइल है। तो हम इस पे रेडियो ऑफ और रेडियो ऑन चेक करेंगे। तो डायल पे जाएंगे, हैश कोड अप्लाई करेंगे, ये देखो आ गया। फोन इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखो रेडियो ऑन। ओके, ऐसे ही चेक करना है। हम सुनते हैं सिर्फ अपनी जिद के। जिद है मेरा फितूर, जिद है मेरा गुरूर, जिद है मेरी जुर्रत। ओ हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आपने देखा, अभी एक वीडियो मैंने आपको दिखाया है कि किस तरीके से अगर आप नेटवर्क का फॉल्ट आए सो आप ये जरूर पता करें कि आपका रेडियो ऑन है कि ऑफ है। दोस्तों अगर आप नेटवर्क बना रहे हैं और अगर आपको यही नहीं पता है कि रेडियो ऑन है कि ऑफ है, तो मेरे को नहीं लगता है कि WTR या किसी भी HDR या किसी भी ट्रांस रिसीवर को चेक आप करेंगे तो कोई फ़ायदा होगा ही नहीं, वो कभी वोल्टेज बनाएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए, बहुत विस्तार से नेटवर्क को डीप लेवल पे समझने के लिए इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना पड़ेगा। और इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के बाद में जो नॉलेज मिलेगा वो एक अलग ही मिसाल क्रिएट कर देगा तुम्हारी लाइफ में, मैं सच बता रहा हूँ। और क्योंकि पूरी भरोसेमंद के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा और आपका भरोसा जीतूंगा, और उसके लिए मैं आपसे 4 दिन ऐसा पढ़ाऊंगा और उसके लिए मैं आपसे 4 दिन मांगूंगा जिसमें आप अगर लगे कि आपको कि आप वैसा जैसा आपको लग रहा है कि सीखना चाहिए वैसा नहीं सीख रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। तो बेसिकली वो 4 दिन बिल्कुल फ्री रहेंगे आपके, और आप अपनी फीस को पूरा रिटर्न लेके जा सकते हैं, जिसमें मैं आपको पूरे कॉम्पिटेंट क्लियर कराऊंगा, मैं आपको ट्रेसिंग बताऊंगा, मैं आपको PCB का डायग्नोस बताऊंगा, IC की पहचान बताऊंगा, प्लस मैं आपसे लाइव पावर लगवाऊंगा, एक बार नहीं 3 या 4 बार, जिसको जितनी बार भी आप लगा सकें, और कम से कम 2 से ज़्यादा बार, और मैं आपसे CPU लगवाऊंगा कम से कम 4 से ज़्यादा बार, 4 से 2 भी नहीं 4 से ज़्यादा बार। सो आप, ये आपके ऊपर है दोस्तों, मैं 2 के ऊपर तो आपको लगवा ही दूंगा, और ये बात की गारंटी, और नहीं लगवाया तो पूरी फीस लेके वापस चले आना। और उसके बाद जो मैं आपको दूंगा वो जिंदगी में मला करोगे आप पहले क्यों नहीं आया। तो चलो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हो गई बात की, हम बात करेंगे सीक्रेट कोड। अगर आप अपने फ़ोन में नेटवर्क टेस्टिंग कर रहे हैं, देखिए दोस्तों सीक्रेट कोड में अगर हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मोड की, मैं सीक्रेट कोड उसकी बात नहीं कर रहा सार वैल्यू निकालना या फलाने, क्योंकि वो सब बेकार की चीज़ें होती हैं और हमारे किसी काम की चीज़ नहीं है। हम जब रिपेयरिंग करते हैं तो हमें ज़्यादातर जो सीक्रेट कोड यूज़ करना होता है वो इंजीनियरिंग मोड इसलिए खोलना होता है कि हमें या तो कोई टेक्निकली चीज़ है, हमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें जो सेटिंग है उसको सेट करना हो, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई है उसको हम ठीक एनेबल कर सकें, डिसेबल कर सकें। डाइग मोड हो गए, बहुत सारे ऐसे मोड हो जाते हैं जिसको हमें बनाना पड़ता है कोई भी सिक्योरिटी रिपेयर करते समय। या फिर अगर हम बात करें हमारा रेडियो फ़ोन की जानकारी, रेडियो पावर ऑन है कि ऑफ है ये हमें पता करना हो, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ जिसमें हम नेटवर्क के सिग्नल से हम देख सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ दे सकते हैं कि कितनी कम है कितनी ज़्यादा है, और फ़ोन का डाटा, फ़ोन के हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन की बहुत अच्छी जानकारी हम ले सकते हैं, जिसमें अगर हम कोई सेकेंड हैंड फ़ोन भी परचेस करते हैं सो हम उसका सारे सेंसर चेक कर सकते हैं कि वर्किंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम उसका टच चेक कर सकते हैं, हम एवरीथिंग, इस ईयर स्पीकर, हम रिसीवर, सब कुछ हम चेक कर सकते हैं एक हार्डवेयर कोड की मदद से। सो बेसिकली तो ये सारे कोड मैंने आपको यहाँ बताए और ये सारे टेस्टेड कोड हैं, आप इनको यूज़ करो। मुझे कमेंट पर बताओ कि आपके कौन कौन से कोड आपके फ़ोन में चल रहे हैं, और मुझे बताओ कि जो कोड मैंने बताया है वो आपके फोन में सक्सेस है या नहीं। जो भी चीज होगी हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे और इसमें और इस पर इंप्लीमेंट करेंगे, और इंप्लीमेंट सही बनता है क्योंकि जितना हम सीखेंगे उतना ही क्योंकि हम जितना हम सीखेंगे और जितनी हम गलती करेंगे उससे फिर हम और सीखेंगे और फिर उससे और आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सबसे पहले Xiaomi के एनेबल कोड की। सो यहां पर आप देखिए ***6484 ***#**#**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 *
तो आपको ये वाला कोड Xiaomi के हर फोन में काम करता है, तो ये वाला कोड पे आप ध्यान दीजिएगा, और ये वाला कोड मैं चाहूँगा कि आप अपने Xiaomi के फ़ोनों में यूज़ करें, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका रेडियो ऑन है कि ऑफ है, और फ़ोन का बैटरी का बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में ही एक
एक झलक दिखाई थी एक वीडियो की, किस तरह से हमें चेक करना है। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा सीक्रेट कोड की हम बात करेंगे, ये वीवो के इंजीनियरिंग कोड है। अब अगर आप वीवो में रेडियो ऑन ऑफ चेक करना चाहते हैं जैसे कि साउमी के जैसे, तो आप इस इंजीनियरिंग कोड की मदद यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम यहाँ पर आप नोटिस करो ये जो कोड दिख रहा है, ये कोड हम यूज़ कर सकते हैं इंजीनियरिंग टेस्ट और हार्डवेयर सेटिंग में कैलेंडर इन्फॉर्मेशन गूगल, ये तो हमारे काम का नहीं है। तो मेन टेस्टिंग आप देखें 4838 और 4636, आप ये कोड भी आप वीवो में यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को ये पता कर सकें कि आपका रेडियो ऑन है कि ऑफ है, और इसकी आप इन्फॉर्मेशन आप अपने चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँगा दोस्तों, इसके बाद ओप्पो की इंजीनियरिंग कोड की बात करूंगा, क्योंकि जो मॉडल वाकई में बनने आ रहे हैं हम उसी कोड की बात करेंगे। ओप्पो में अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये IMEI चेक का कोड, इन्फॉर्मेशन अबाउट बैटरी की इन्फॉर्मेशन, मतलब यहाँ पर भी आपको ये कोड यूज़ करें जिसमें आप रेडियो ऑन ऑफ देख सकते हैं। इसके अलावा टच स्क्रीन के लिए, फ़ोन को रिसेट करने के लिए QC टेस्ट, तो ये भी बहुत अच्छा है, क्वालिटी टेस्ट, तो ये बेसिकली QC टेस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी के रिफर्बिश्ड बोर्ड है उसमें QC टेस्ट करने के लिए, वाईफाई एड्रेस हो गया, रैम वर्जन जानने के लिए, तो मॉडल चेक करने के लिए ये आप दो कोड देख सकते हैं, और ये है आपका ऑडियो टेस्ट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला कि ये सारे कोड आप टेस्ट कर सकते हैं, आप अगर सेकेंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं तो भी आपके लिए काम आएगा, और अगर आप रिपेयरिंग करते हैं तो आप इंजीनियरिंग मोड से आप ये पता कर सकते हैं कि आपका रेडियो ऑन है कि ऑफ है। अब अगर मैं इसके अगले कोड की बात करूं, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग मोड में मैंने कुछ अलग अलग फ़ोनों के और कोड आपको बताए हैं, जैसे कि आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको बता दी, लेनवो का है ये, टेक्नो का है, सैमसंग में, इस कोड से आप हार्डवेयर में बहुत सारा चीज़ आप पता कर सकते हैं, चाहे वो अगर हम LCD की बात करें, टच चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या हम स्पीकर रिसीवर, इस तरह से सारे कोड, हम सेंसर्स की बात करें, और हुवावे में, साउमी में, तो ये कोड आपको बताया है। ओप्पो में ये कोड आप, जिससे हम डायग्नोस, ये ओप्पो में हम ये कोड यूज़ करते हैं, फैक्ट्री मोड कोड बोलते हैं इसको, ये वाला भी कोड आपने यूज़ किया होगा शायद। सोनी की बात करेंगे और मेजू की बात करेंगे और STC, सो ये सारे कोड हम जो यूज़ करते हैं वर्किंग कोड हैं, ये सर्विस सेंटर से लिए गए कोड हैं, और इसकी जो डाटा है सर्विस सेंटर से मांगा गया है, तो ये कोड आपके आपको काम आएंगे, और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। अगला कोड हम बात करते हैं दोस्तों, ये लास्ट कोड है, ये MediaTek के कोड है। MediaTek मतलब अगर आपके पास MTK का फ़ोन आता है, अब वो कोई सा भी हो, सो ये एक यूनिवर्सल कोड माना जाता है, जिसमें आप MediaTek में ये सारे कोड यूज़ कर सकते हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन देखने के लिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बताना अगर आपने इसमें से कोई कोड यूज़ कर रहे हैं और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है, वो किस चीज़ के लिए है, और ये और तो दोस्तों मुझे कमेंट पर जरूर बताइएगा कि इन कोड में से कौन सा कोड है जिसमें आपको सबसे जो ज़्यादा जानकारी मिली है, जो रिपेयरिंग के टाइम पर बनाने के लिए या फ़ोन का QC चेक करने के लिए अगर आप इस कोड का यूज़ करना चाहें, तो वो कौन सा कोड है और उस कोड से आपको फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। तो ये जो वीडियो था, ये बेसिकली हमारा डेडिकेट था इंजीनियरिंग मोड के कोड पे। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताएगा जरूर, और अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो आप ऐसे टेलीकॉम को ज्वाइन कर लेना, और ऐसे टेलीकॉम के नंबर नीचे दिए हुए हैं, आपकी गारंटी मैं लूंगा। थैंक यू वेरी मच। मिस्टर अभी तक कोई यूट्यूब में नहीं बताया हो, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? सिको निकल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? MI Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं?